सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार, नीट 2021 की एज लिमिट को लेकर काफी सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इस पूरे के पूरे डाउट को क्लियर कर दिया जाए। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली एज लिमिट को लेकर रहने वाली है। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मिनिमम एज लिमिट क्या है और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रखी गई है नीट 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट को लेकर और भी आपके जो भी डाउट्स है एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर, उसको लेकर वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं एज लिमिट पर। तो यार, 21 का क्राइटेरिया अभी तक हमें नहीं मिला है, तो हम बात करेंगे 2020 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो हम जो भी एग्जामिनेशन देते हैं नीट का एग्जामिनेशन, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज किया जाता है एनटीए की तरफ से। उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पूरी की पूरी डिटेल्स होती है, आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में होता है। तो 2020 को लेकर भी एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज किया गया था। उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में एज लिमिट को लेकर एक लाइन लिखी गई थी, उसी लाइन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें मिनिमम एज लिमिट की, तो यार मिनिमम एज लिमिट आपकी 17 साल रखी गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन है। अब बार बार मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरी एज 16 साल 5 महीने, 16 साल 7 महीने या फिर 16 साल 8 महीने है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? तो जी नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 17 साल मतलब 17 साल। 2020 के अकॉर्डिंग बोला गया था कि आपका जन्म अगर 31 दिसंबर 2003 से पहले हुआ है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। अब हम एक साल आगे आ चुके हैं, तो अगर आपका जन्म 31 मार्च 2004 से पहले हुआ है, दिसंबर 2004 के पहले, 31 दिसंबर 2004 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आपकी एज मिनिमम 17 साल होती है, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है गाइस, ये तो बात हुई मिनिमम एज लिमिट की। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट। तो यार, मैक्सिमम एज लिमिट के लिए एक लाइन लिखी गई थी, आपको सामने शो हो रही होगी कि अपर एज लिमिट वैसे तो 25 साल रखी गई है, लेकिन इस अपर एज लिमिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था, जो कि 22 जनवरी 2018 को किया गया था। इस एज लिमिट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस पूरे के पूरे वर्डिक्ट को, इस पूरे के पूरे केस को हेल्ड कर लिया, अभी के लिए होल्ड कर लिया, इस पर कोई भी डिसीजन अपना नहीं दिया है। तो जब तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक इसकी अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो भी आप नीट 21 का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। वैसे अगर, अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होगा कि इसकी अपर एज लिमिट आ जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले लेता है अब की बार, तो क्या होगी? तो यार, जनरल कैटेगरी के लिए ये एज 25 साल हो जाएगी, अदरवाइज अदर जो जितनी भी कैटेगरीज बचती हैं उनको जितना भी रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है, तो उसके हिसाब से उनकी अपर एज लिमिट हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये बात रही मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर नीट 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं कि ये जो सारा का सारा डाउट्स है आपके जहन में क्लियर होगा। ओके गाइस, अब इसके अलावा मैं एक सोच रहा हूं कि एक वीडियो बना दी जाए कि जो स्टूडेंट घर पे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाई जाए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने के लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि इस प्रकार की वीडियो बनाई जाए या फिर ना बनाई जाए। ठीक है गाइस, बाकी ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और भी अगर आपके कुछ डाउट्स बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।